हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्दुल इस्लाम, आप देख रहे हैं जहानाबाद ब्लॉगर। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वेरी गुड नाइट। आज चांद रात है तो आज मार्केट का शॉपिंग करने आए हुए हैं, और क्या है मार्केट का वो भी आपको व्यू दिखलाने की कोशिश करेंगे, और जहानाबाद का मार्केट कैसा वो भी आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे। आफ्टर 2 साल के बाद ही मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, और आगे का भी व्यू दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी हम लोग ईद का शॉपिंग करने आए हैं, तो अभी फुटवेयर खरीदने जा रहे हैं हम लोग। तो जहां तक लोकेशन की बात करें, तो लोकेशन अगर इस तरफ से आ रहे हैं तो गया रोड से आ जाइए, अगर इस तरफ से आ रहे हैं तो पटना रोड से आ जाइए, और उस ठीक आप लोकेशन जहां तक की बात करें तो आदित्य विजन के ठीक अपोजिट आपको ये मिल जाएगा खादिम्स, और बहुत ही अच्छा। चल के अंदर देखते हैं कि क्या यहाँ पर है और क्या कलेक्शन है वो आप लोग को दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलिए अंदर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आपको स्लीपर मिल जाता है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद का है यारो। यहाँ पे कुछ वेडिंग कलेक्शन भी आपको मिल जाएगा, और ईद का शॉपिंग भी करने आए हैं तो बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे कलेक्शन है। आप जहां तक देख सकते हैं, स्लीपर हो, फुटवेयर हो, कैजुअल हो, जो भी आपको कलेक्शन देखना है यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से कलेक्शन देख सकते हैं, और मिनिमम टू मैक्सिमम रेट यहाँ पे देख सकते हैं कि फुटवेयर आपको मिल जाएगा। लेडीज, जेंट्स और किड्स तीनों आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा डिजाइन है। और जहां तक आपको भी डिजाइन दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, और आगे भी वीडियो में बने रहे, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये सब देख सकते हैं लेडीज कलेक्शन है। यहां पर देख सकते हैं किड्स का भी है, ये देख सकते हैं ये अपनी कलेक्शन है, और आप लोग जज करें कि कैसा लग रहा है, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें कि कैसा लग रहा है। यहाँ पे लेडीज बैग भी मिल जाएगा, एक से एक कलेक्शन है यहाँ पे लेडीज बैग का भी, और यहाँ पे बेल्ट भी मिल जाएगा, सॉक्स भी मिल जाएगा, और पॉलिश का भी आइटम टोटल आपको मिल जाएगा, और शोल्डर बैग भी आपको मिल जाएगा खादिम्स का। क्या खरीद रहे हैं सर? क्या ईद का शॉपिंग हो रहा है? क्या ईद का शॉपिंग है? देखा जाए तो 2 साल से ईद का शॉपिंग नहीं हुआ था, तो इस बार जम के हो रहा है क्या? बहुत जम के हो रहा है, और बहुत बेहतरीन हो रहा है, इस बार बहुत बढ़िया से होगा। सभी को ईद मुबारक। यहाँ पर देखा जाए तो सारे का सारे कलेक्शन तो है ही है, तो यहाँ पे स्कूल कलेक्शन भी आपको मिल जाएगा। अगर बच्चों को स्कूल कलेक्शन लेना है तो एक बार जरूर विजिट करें यहाँ पे, और बहुत ही अच्छे होगा, और डिस्काउंट के साथ यहाँ पे चल रहा है। अगर देखा जाए तो अभी ईद पे ऑफर चल रहा है, आज चांद रात है तो हम लोग शॉपिंग करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे हम लोग को ऑफर मिला है, 1000 के शॉपिंग करने पे 200 इंस्टेंट कूपन मिल जाएगा। अगर कोई और प्रोडक्ट 1 महीने के अंदर खरीदते हैं तो आपको 200 रूपया इंस्टेंट मिल जाएगा। हमारी तो स्लीपर की शॉपिंग हो चुकी है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बने रहे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। यहाँ पर देख सकते हैं चांद रात है आज, और बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ है, और लेडीज का भी ज्यादा, बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि यहाँ पे सिंगार स्टोर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज होता है ईद में लच्छा, और यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे खरीदारी हो रही है लच्छा की। यहाँ पर देखा जाए तो तगड़ा शॉपिंग किया जा रहा है, और ईद 2 साल के बाद जब आ रहा है तो लोग एक नहीं 2-4 शॉपिंग कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और भैया लोग भी बहुत अच्छे से दिखला रहे हैं। यहाँ पे गया बेकरी है, जहानाबाद का फेमस बिस्किट दुकान, और बहुत अच्छा टेस्ट यहाँ पे मिल जाता है, और कम बजट में भी मिल जाता है। I'll get real.
यहाँ पर देखिए टोपी का भी शॉपिंग किया जा रहा और लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे आ रहे हैं टोपी और अतर के लिए, बहुत ज्यादा यहाँ पे अतर और टोपी बिका जा रहा है। यहाँ पर देखिए बहुत से लोग भाई लोग जो है टोपी अतर रुमाली ये सब खरीदने आए हैं और अफ्टर 2 साल के बाद ईद मनाया जा रहा तो बहुत जोरों शोरों से यहाँ पे शॉपिंग किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे चेक किया जा रहा है रुमाली, भाई लोग बांध के यहाँ पे चेक कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे तगड़ा वाला शॉपिंग हो रहा और बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ है और बहुत एंजॉय करके 2 साल के बाद ईद मनाया जा रहा तो तगड़ा शॉपिंग यहाँ पे किया जा रहा और आगे वीडियो में बने रहे, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब हम लोग खोवा लेने के लिए आए हैं लच्छा में डालने के लिए और आओ वीडियो में बने रहे, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यहाँ खोवा हम लोग लेने आए हैं और खोवा लेके फिर ईद मुबारक है भाई, मुबारक यहाँ से हम लोग खोवा ले लिए, खोवा लेके निकल रहे हैं और आगे का भी व्यू दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए ये रिफाइंड वाला है, ये कैसे के जी है? ये 140 रुपए, 140 रुपए के जी है। ये डालडा वाला कैसे? 110 तक है डालडा वाला। मिनिमम टू मैक्सिमम क्या रेट आएगा आपके पास लच्छा? 110 से लेके 160 तक है, उसके बाद फिर 240 तक है। यहाँ पे अतर सुरमा और टोपी तीनों चीजें यहाँ पे मिल रहा है और लोग खरीदारी भी यहाँ पे अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सर यहाँ पे 2 साल बाद ईद मनाया जा रहा है तो कैसा आपको महसूस हो रहा है और कैसे आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं? बहुत बढ़िया भैया, हम लोग का तो बहुत दिक्कत हो रहा था यार, इन साल तो बहुत बढ़िया मौका। अभी हम लोग अतर लेने के लिए आए हैं क्योंकि ईद में जो भी लोग आते हैं घरों में तो सबसे पहले अतर सर्व किया जाता है, तो अतर का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। देखिए एक से एक अतर यहाँ पे है और अतर अब दिखलाने की प्रोसेस चालू हो रही है और जो मीठा खुशबू वही मांग रहे हैं हम। यहाँ पे लगाया जाएगा, उसके बाद स्मेल किया जाएगा, उसके बाद अगर अच्छा लगता है तो ले आ जाएगा और नहीं तो फिर नेक्स्ट। हाँ ये मीठा खुशबू कितना भैया? ये आपको 70 रुपए पड़ेगा, दे दीजिए। यहाँ पे 70 रुपए का अतर मिला और अतर लेने के बाद भी आपको वीडियो आगे तक लेके जाएंगे। देखिए ये अतर हम लोग लिए हैं और बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा खुशबू और मीठा भी है और अतर प्रोसेस हो रहा है वो लगाने के लिए कि गोल वाला जो लगता है, जो स्मूथ राउंडिंग करता है वो लग चुकी है, अब मुझे मिलने के लिए तैयार है। यहाँ पर देखा जाए तो ईद का प्रिपरेशन पूरा तगड़े तरीके से हो रहा है, यहाँ पर बाल भी बनाया जा रहा है। यहाँ पे भाई मिले हैं, सब्सक्राइबर है मेरे और यहाँ पे देखा जाए आफ्टर 2 साल के बाद मनाया जा रहा है ईद कोविड के बाद, तो कैसा आपको महसूस हो रहा? तो सबको पहले दिल से चांद रात की ढेर सारी मुबारकबाद और बहुत ही खुशी हो रही है कि हम लोग 2 साल के बाद यहाँ पे ईद मना रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत मतलब लॉकडाउन की वजह से हम लोग बहुत ही मतलब अच्छे से मतलब इजहार नहीं कर पा रहे थे त्यौहार का और अच्छे से मतलब सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो अभी हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग ईद मना रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी यही दुआ है अल्लाह से कि सब ऐसे ही हंसी खुशी से ईद मनाते रहे। जितने भी जहानाबाद ब्लॉगर के दर्शक हैं या सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों से दुआ है, दरख्वास्त है ईद की ढेर सारी मुबारकबाद आपको। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर ले और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और ईद का हार्दिक शुभकामना है, ईद मुबारक। जितने भी जहानाबाद के फैमिली मेंबर हैं सबको ईद मुबारक और आपका भाई मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।